सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एंड आप सबका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। तो आगे की जो लाइन थी वो मैं भूल चुकी हूँ। तो अभी ना मैं शावर आवर लेके बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अब भी बनानी थी रील। तो रील तो मैं बना चुकी हूँ, और अब इसके रील बनाने के बाद मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस रील बनाने के लिए आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल सी हेयर स्टाइल थी और येलो कलर की कुर्ती। तो बस अभी इसको चेंज भी करना है, क्योंकि मेरी रील जो है वो बन चुकी है। तो बस अभी इसको चेंज करेंगे, और काफ़ी अच्छी रील बन चुकी है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि एक एक चीज़ एक बार बार स्टॉप करके बनानी पड़ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया रील बनाने में। तो बस अभी ब्लॉग स्टार्ट करिए। और अभी बजा है सुबह का 11 समथिंग कुछ हुआ होगा। तो बस अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो आज का जो ब्लॉग है वो किस टॉपिक पे है, वो टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। वैसे आज का ब्लॉग जो है वो है शादी, मतलब आज ना मैं पापा तन्नू दीदी जाने वाले हैं, एक शादी है। तो पापा के एक फ्रेंड है, उनके लड़की की शादी है, तो वहाँ पे आज रात में हम लोग जाने वाले हैं। मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेते हैं, सुबह से दिखा देंगे, वरना शादी का थोड़ा सा छोटा बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा लॉन्ग ब्लॉग भी बना लेते हैं, तो आपको देखने में शायद मज़ा आएगा। तो इसीलिए, और आजकल YouTube पे एक ट्रेंड भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रेंड चल रहा है, कि मतलब लोग बिना बुलाए शादी में जाते हैं। ऐसा प्रगति दीदी ने भी किया है, प्रगति वर्मा, तो उनका भी मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने भी किया था। वो बिना बुलाए शादी में गई थी, वो तो 2-3 में गई थी। और काफ़ी सारे लोग हैं जिनका ब्लॉग मैंने देखा है, वो लोग बिना बुलाए शादी में गए। तो मेरा वैसा नहीं है, मैं बुला मतलब पापा को इन्वाइट किया गया है, तो हम लोग जाने वाले हैं। तो अभी चलो, अभी हम लोग कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, ये मेकअप पूरा हटाते हैं, और उसके थोड़ी सी देर बाद मिलती हूँ मैं आपसे। और कैंडी का, हाँ कैंडी का हेयर कट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, मैंने अपलोड कर दिया है। और अब मैं ना आपको कैंडी का लुक दिखाती हूँ, उसके हेयर कट होने के बाद कैसी अभी दिखती है। तो उस वीडियो में तो थोड़ी सा लुक दिखाया था, तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। चलो गाइज, ये जो डॉगी बेबी है, तो ये दीदी के घर पे आया है, ज्योति दीदी के घर पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसको ना काफ़ी दिन जब कैंडी के हेयर कट हुआ था तभी उसी दिन ये आई थी। तो ये भी लड़की है, और इसका नाम कुक्कू है। तो इस काफ़ी दिन से मिलना था इससे, तो पर जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि कभी कुछ काम हो जाता था और कैंडी भी अकेले रहती थी, और इसी वजह से। तो पर आज मिली फाइनली कुक्कू से, तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है कुक्कू। तो बहुत ही ज़्यादा कुक्कू क्यूट लग रही है, एकदम अच्छी सी। इनसे इतनी छोटी सी कुक्कू नहीं चल रही, इतनी छोटी सी। वो डर लग रहा है उसका, आगे से वो ना निकल जाए कहीं, वो ढीला है। हैं? देखो देखो देखो। वी कुक्कू। तो ये दीदी के घर में नई फैमिली मेम्बर आई है, और अभी इसको हम लोग ले जा रहे हैं घुमाने, यहीं पे थोड़ा घुमाएंगे। तो कुक्कू को घुमाने के लिए इतने सब लोग जा रहे हैं। मेरे बाल गंदे हो जाएंगे। ये हमारी दीदी देखा खड़ी, जो अभी बहू बनी है, क्योंकि इनके ससुर जी आ चुके हैं। पीछे ससुर जी मतलब पापा किया। ओए, पटक दिया। ओहो, गजब। पीछे देखो, ऊपर करो, मारो आर्य को पकड़ के। कुक्कू कितना अच्छा है, देखो दिन भर जाती है, वो देखो कितना अच्छा है। देखो बाबा क्या है,
तो कुकू के कुकू ये न्यू फैमिली मेंबर है, अपनी मम्मी का इंतजार कर रही है। इधर नहीं चलो, जिसके भाई से मिला के लाते रक्षाबंधन करा के आए, रक्षाबंधन रक्षाबंधन को राखी बंधवाए आएंगे। वो कहीं लौट रहा हो एक यार, बहुत धूल है। मुझे दौड़ो 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 चलो कुकु चलो, आर्या मार देंगे धूल उड़ाई तो। चलो कुकु चलो, देखो देखो दीदी मजा आ रही है उसे भी। चाय पियोगी? तन्नू दीदी ने ढाबा खोल रखा है चाय पिलाने का। पैर उसके लहरा रहे हैं, पैर ऐसे लहरा रहे हवा में। कुकु यार तुम रोज खिला दियो, दे दो कुकु। ऐसे नहीं गणपति जी लेके जावाहित करने ए ऐसे ना बोलो यार। ओ भाई बहनो तुम लोग भाई बहनो आई कितना प्यार कर रहे हैं दोनों मस्त हो गए, ले आया करो तो खेल लिया करेंगे। भाई बहन पास पास आ गए हैं, सोचो दूर दूर जाते तो। अब जो कैंडी आई है मेरे दोनों फ्रीजर से तभी शरीर फैल नहीं, जब फ्री हो एक लोग इनके लिए। अब हमारे तीन बच्चे में काम भी हो जाता, बहुत जानवर को हो जाते सब वो करके जाते हैं। दूध रोटी खाएगा बच्चा, मार पीट कर रहा है दीदी। डॉग फाइट है ये, कैट फाइट कैसे हो गई यार, कुत्ते को बिल्ली बना दे। भाई बहन में फाइट हो रही है मम्मी। तो जिससे दीदी ने ये डॉगी लिया है, तो उसका मतलब दो बेबी हुए थे, एक बॉय हुआ था और एक ये कुकू। तो इसमें ना एक बॉय किसी और ने ले लिया, तो वो दीदी के घर के थोड़ी दूरी पे ही रहते हैं। तो जिन्होंने ये बॉय लिया है, तो दीदी बस आज जो हम सब उससे मिलवाने गए थे, भाई बहन का मिल। इसका भाई अलग घर में रहता है और इसकी बहन अलग घर में, जिसकी बहन इधर रहती है। तुम नहीं छूते उसको, मजा आती परसीन में। मम्मी मम्मी। One eternity later. So guys, अभी मैं तन्नू दीदी ज्योति दीदी के घर से वापस आ चुके हैं और कुकू को भी दिखा दिया, तो कुकू को भी खिला लिया। और दीदी के घर में नई नई मेहमान आई है, और आज मेरे ब्लॉग में मम्मी नहीं आई है पूरे दिन में। तुम मम्मी आए बोला हाय, तो आज पूरा दिन हो गया था मम्मी नहीं आई, और वो उधर फोन चला रही है। हम कैसे बैठे हैं दीदी बोला नहीं आज। दीदी का फेमस डायलॉग है, और नीचे कैंडी है। कैंडी मम्मी आज कुछ बताना चाहोगी? क्या बताऊं, कोई नई खबर, ताजा खबर? नहीं, कुछ तो बता दो। मम्मी की ये जो आईब्रो होती है हमेशा ऐसे चढ़ी रहती है ना, चाहे कैमरा हो चाहे शीशा हो, जिसमें भी देखो मम्मी की आईब्रो ऐसे चढ़ी रहती है। तो अभी ना मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, और थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, कैंडी के साथ भी थोड़ा सा खेल लेते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर।
गाइस गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि अभी ना शाम है और शाम का भी बजा है 5। तो मैं ना कल हम लोग शादी से रात में वापस आए थे, जब तो लेट हो गया था, 10:30 बज गया था, तो इसीलिए फिर मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया। मैंने सोचा सुबह कर दूँगी यानी 17 फेब को, पर सुबह मुझे कॉलेज जाना था क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल तो नहीं था, पर हाँ कॉलेज में बुलाया गया था, मैम सर ने बुलाया था, क्योंकि प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा समझाना बमझाना था कि कैसे होगा क्या क्या आएगा, तो इसी वजह से फिर मैं सुबह भी ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी और वो तब दिमाग से निकल चुका था, तो मैंने सोचा चलो बाद में आके कर देंगे। और उसके बाद कॉलेज से आए, फिर लंच वंच किया, लेट हो गए थे क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट थे, तो उसके हर एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आके समझा रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम चला गया था, तो इसीलिए फिर वहाँ से वापस आया, लंच किया और फिर उसके बाद थोड़ी देर सो गए थे, तो बस अभी उठे थे सोने के, चाय पी चुके, सो इसीलिए अभी ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और ना मुझे आप सबको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देनी है, वो इस ब्लॉग में नहीं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो मतलब ये खुशखबरी का कब से वेट था कि कब मैं बताऊँगी, तो बस थोड़े दिन बाद मैं बता दूँगी आपको। तो अगर आपको वो देखना है कि क्या खुशखबरी होने वाली है, क्या गुड न्यूज़ है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी ना आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आप मेरे टाइम पे ब्लॉग देख पाओ और आपको पता चले कि वो अच्छी बात क्या है। तो चलो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Thank you.